नमस्कार, डीवी न्यूज में आपका स्वागत है। सरकार द्वारा वाहन चालकों के लिए किए गए कड़े नियम के विरोध में असंतुष्ट होकर आज साल के पहले ही दिन बस, ट्रक एवं टेम्पो ड्राइवर ने आक्रोशित होकर अपने अपने वाहनों के स्टेयरिंग एवं पहिए थाम कर हड़ताल शुरू कर दी है। नगर सहित जगह जगह पर बसों एवं अन्य वाहनों का संचालन नहीं होने के कारण यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। नए प्रावधानों के तहत ड्राइवर को दोषी पाए जाने पर 7 वर्ष की जेल एवं 10 लाख रुपए का जुर्माना है। इसको लेकर वाहन चालकों एवं ड्राइवरों में आक्रोश प्राप्त है। बता दें कि कई ड्राइवर का कहना यह भी है कि सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी कर देंगे। वहीं कुछ ड्राइवर का कहना यह भी है कि यह लड़ाई सिर्फ हमारी नहीं है, उसे प्रत्येक व्यक्ति की है जो वाहन ड्राइविंग करता है। वहीं ड्राइवर की हड़तालों की वजह से आज नगर सहित अन्य जगहों पर भी बस एवं ट्रक एवं टेम्पो खड़े दिखाई दिए। वहीं दोपहर को जोबट कॉलेज तिराहे पर ड्राइवर यूनियन द्वारा काला कानून वापस लो का बैनर लगाते हुए जमकर विरोध प्रदर्शन करते हुए विरोध प्रदर्शित किया गया। पहले दिन की हड़ताल में बड़ी संख्या में ड्राइवर लोग उपस्थित रहे। में बैठे हुए हैं। केंद्र शासित द्वारा जो कानून पारित किया गया है, ये जो काला कानून है वो ड्राइवरों के हित में नहीं है, इसलिए हम जोबट यूनियन के सभी ड्राइवर सदस्य हम इस धरना पारित करने के लिए बैठे हैं ताकि केंद्र शासित सरकार इस कानून को वापस ले। हमारी मांग है कि ये सरकार इस कानून को जल्द से जल्द वापस ले। आपका नाम? नवीन राठौड़। मैं ड्राइवर यूनियन समिति का एक सदस्य हूँ। हम सभी ड्राइवर भाई जोबट ड्राइवर यूनियन समिति के सदस्य यहाँ पे धरना के लिए बैठे हैं और हम ये केंद्र शासन से मांग करते हैं कि इस काले कानून को जल्द से जल्द वापस ले। जोबट से संजय टबली की खास खबर। और भी खास जानकारी के लिए बने रहिए डीवी न्यूज के साथ।